नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। तो हमने काफ़ी बारी आप लोगों को दिखाया है कि ये देखिए, ये बरसाती नाले हैं गांव डंडूर के, जो कि गंदगी से अटे पड़े हैं और कूड़ा करकट इनके अंदर भरा हुआ है, जिसकी सफाई साल 6 महीने में होती है और उसके बाद दोबारा इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस नाले का क्या हाल है। ऐसे हमारे गांव में 2 नाले हैं, दोनों नालों का यही हाल है, जबकि इनकी सफाई 15 से 20 दिन में होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये आबादी के बीच में है और दूसरा आज कोरोना काल जो महामारी फैली हुई है देश में, उसी के तहत अनेकों अनेक बीमारियां फैलने का अंदेशा भी इन नालों से लगा रहता है। और इन्हीं के साथ में ये जो घरों के साथ होती हुई नालियाँ बनी हुई हैं, इनका भी बहुत बुरा हाल है। ये देख सकते हैं आप कैसे कूड़े से अटी पड़ी है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी भी है। दूसरा, इसी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर ये देखिए कैसे अटा पड़ा है, यहाँ जो रुकावट पैदा हो गई है और ये पानी जो था गंदा पानी यहाँ खड़ा हो गया पूरी तरह से। और एक ये ढक्कन जो यहाँ से पाइपलाइन डाली गई थी, क्योंकि आगे मिर्चपुर की जो है कॉलोनी जो बसाई गई है गांव डंडूर के पास में, उसी के तहत ये यहाँ पे सीवरेज टाइप में एक होल बनाया गया था और यहाँ से पाइपलाइन डाल करके जोड़ में इस गंदे पानी की निकासी का व्यवस्था किया गया था। तो आप इस ढक्कन का हाल भी देख सकते हैं, यह अभी 2 महीने पहले ही बनाया गया था, जिसकी आज ये हालात है। विकास की इतनी मजबूत नींव है कि वो 2 महीने भी झेल नहीं पाता। जरा सोचिए, जब इस होल तक पानी आएगा ही नहीं, नालियों से गंदगी पानी का निकासी होने का कोई प्रावधान नहीं बनेगा, तो क्या खाक होगी साफ सफाई। 15 दिन महीने तो छोड़ दीजिए, 2-2, 3-3 महीने से यहाँ अगर कोई सफाई कर्मचारी आया होता तो शायद यह हालात नहीं होते। गांव वाले खुद ही सफाई करते हैं, लेकिन वो भी कितना करें जब आगे रास्ता ही बंद है। रोटी भी खा जाती, क्या कारण है? यो आगे पानी टपदा ही को नहीं, इतना गंद हो रहा है। इसकी सफाई हुए कितना टाइम हो गया? सफाई तो बहुत टाइम हो गया, करी कौन की? कितना टाइम, मतलब साल 6 महीने? कितना साल तो हो गया, मानते हैं को कर दे कौन सफाई, मारे वर्ग कर दे तो कर दे। सरकारी कागजी विकास को देखने के लिए हमारे रिपोर्टर राम प्रकाश गली गली घूम रहे हैं। सरकारें कर तो रही हैं, लेकिन जमीन पर कितना है यह हकीकत में देखिए। आंटी जी, जो ये नालियां कचरे से अटी पड़ी है, ये क्या इसकी सफाई नहीं होती कभी भी? कभी सफाई नहीं होती है, हम खुद करते हैं। आप खुद कर लेते हो? हाँ, तो आप खुद करते हो तो आप तो अपने घर के आगे करते होंगे। हाँ जी। तो आगे की जो सफाई है वो कौन नहीं करता है? आगे की सफाई कभी तो ये करते हैं, कभी मैं करती हूं। लेकिन आपके यहाँ गली के आगे तो बहुत बुरा हाल है। तो गली के आगे बुरा हाल है तो हम इसने कहाँ ले जाएं? तो आप शिकायत नहीं आपने कभी कोई की किसी से? किसी से किससे करें? पंचायत तो आपकी गांव की है, तो पंचायत को कहें यहाँ की लाउड नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं, लाउड नहीं है यहाँ का? इस गली की मारे को लाउड नहीं है, कर्मचारी तो नहीं बोले मेरे को लाउड नहीं है, सफाई करने का लाउड नहीं है इस गली का, मेरा उस तरफ का ड्यूटी। ये बोला है आपको कर्मचारी ने? हाँ, पंचायत घर करने की ड्यूटी है, इतना लंबा चौड़ा मेरे एक ने बस का को नहीं, आप बोलो सरपंच से तो और कर्मचारी दे आप। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं करता, ये कहा उसने, आप सरपंच को बोलो। नहीं, आप बोल रहे ना कभी मेरे को अलाउड नहीं है, बोला इस गली वो का। बोले ये लाउड नहीं है, मेरे को वो लाउड है, जो मेरे को ऑर्डर मिल रहा है वो काम कर रहा। ये देखिए साथियों, क्या हाल है इन नालियों का, कहाँ जाना आपने? जो कि ये देखिए कैसे बुरा हाल है। और ये अभी अभी गलियां बनाई गई थी नई, लेकिन सफाई के मामले में बहुत बुरा हाल है। ये देखिए नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल बस्ती के बीचों बीच है, ये गली है, मेन गली है गाँव की, और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना महामारी के देखते हुए भी अनेकों अनेक बीमारियों को ये गंदी नालियाँ और जो बरसाती नाले हैं बीमारियों को न्योता दे रही हैं। हम एक भाई से बात करेंगे यार।
भैया ये नालियों की सफाई नहीं होती क्या गांव में? कभी नहीं होती, कोई नहीं तो सफाई सफाई करने के लिए खुद ही करनी पड़ती है। अच्छा, ये आप खुद करते हो सफाइयाँ? लेकिन ये तो बहुत बुरा हाल है यहाँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे बनने के बाद कभी सफाई नहीं हुई। खुद ही करनी पड़ती है सफाई, कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो पंचायत आपकी क्या कर रही है? पंचायत कुछ नहीं कर रही, पंचायत को बोलना चाहो तो पंचायत कहते हैं भैया अपने आप करो सफाई, जितनी हो सके तुम करो। करेंगे ये भैया, नालियों की सफाई कितने समय से नहीं हुई है? रोज होती है। कौन करता है? हम करते हैं। सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं जी। अच्छा, आप कितने टाइम से कर लेते हो? सुबह रोज करते हैं। लेकिन आपके घर के आगे जो वो हालात है जो वो क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें पाइप है जी, पानी नहीं जाता नीचे। नहीं, उससे आगे जो वो है जो लगा हुआ है ये उनका पता नहीं, हम तो यहाँ से रोज करते हैं। आप अपने घर के आगे से रोज साफ करते हैं? सफाई कर्मचारी नहीं आता है? नहीं आते जी। ये देखिए साथियों, नालियाँ हैं ये जो घरों की दीवारों के साथ होते हुए गंदे पानी को बाहर निकालती हैं। इनके हालात आप देख सकते हैं नालियों के, जैसा कि हमने लोगों से भी बातचीत की है, ऐसा लग रहा कि नालियाँ बनने के बाद कभी सफाई नहीं इनकी की गई है। और कैसे ये गंदा पानी देखिए लोगों के घरों के आगे इकट्ठा होता जा रहा है और अनेकों बीमारियों को न्योता दे रहा है। ये देखिए क्या हाल है, लोग गांव ढंडूर के लोग कैसे गंदगी में जीने को मजबूर हैं। ये देखिए अभी ये सड़क भी अभी कुछ समय पहले ही बनी थी और नालियां भी नई बनाई गई थी, लेकिन ये हालात हैं। जाहिर सी बात है, यह नालियां मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी की सरकार यानी भाजपा की सरकार के स्वच्छता अभियान को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। गांव वालों के साथ साथ पंचायती सिस्टम भी जिम्मेदार है। और इसी के साथ साथियों, ये गली है जो हमारे रविदास धर्मशाला की तरफ आते हुए मंदिर की गली है, हनुमान मंदिर, और ये अभी नई बनी थी गली, कोई करीबन हो गए होंगे 3 से 4 महीने। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक पुलिया भी बनाई गई थी, ये देखिए, और ये पुलिया जो है टूट चुकी है और कागजों में ये पास भी हो चुकी है, ये देखिए। और इसी के साथ लगता है एक टावर हमने देखा जिसपे टावर खड़ा है और लाइटें गायब हैं। लोगों ने सोचा था कि भी अब टावर लग गया और हमारी गली दूधिया रोशनी से नहाएगी, लेकिन टावर खाली खड़ा है और लाइटें इनसे गायब हैं। ये देखिए साथी, और ये नाला कैसे भरा खड़ा है, और ये जो पुली बनाई गई थी ये टूट गई है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस पुलिया की वजह से, और लोग गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल जी, हम उनसे बात करेंगे। अंकल जी, इस पुलिया को बने कितना टाइम हो गया? बने खराब बड़ी बोलने। अच्छा जी, तो ये टूट कैसे गई, अभी बनी थी क्या ये? हाँ बने बोल दिन। कितना मतलब, 2 महीने करीब बने? घने दिन हो गए, टूटी घने दिन हो गए। टूटी ने घने दिन हो गए ना। हाँ, और जो ये टावर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, लाइटें तो है नहीं, टावर खड़ा है? लाइट दोबारा ही खराब कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा मतलब इसकी कोई नहीं है भाई, कोई सुध नहीं है। पंचायत हमारी क्या कर रही है? पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत है आपकी? बिल्कुल, सरपंच को मैंने सरपंच पढ़े लिखे हैं, पूरी पढ़ी लिखी है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है गाँव में, काम तो कोई नहीं रखे। ठीक है, लिए सरकारी कागजों में तो यह गांव दूधिया रोशनी में नहा रहा होगा। वापस फिर मुद्दे पर आते हैं, मोदी जी की साफ सफाई और स्वच्छता अभियान पर। जरा फिर से देखिए नालियों का हाल, ये घरों का पानी निकालती हैं और ये उस बरसाती नाले में जाता है। ये लोगों के मकान भी यहाँ पे हैं, ये देखिए आप, मतलब साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है जबकि सफाई कर्मचारी भी है। ये जो आपके घरों के नीचे से जो नालियां बनाई गई हैं दीवार के साथ साथ, इसकी सफाई कितने महीने में होती है? आंदा ही कोई नहीं होता सफाई करने वाला। नहीं, महीने में या 10 दिन में कभी नहीं आता वो? साले होगी सुना तो। अच्छा जी, तो आपको क्या परेशानी आ रही है? मच्छर आवे, बदबू आवे। अच्छा, मतलब आपका बैठना भी दुबर हो रखा है? हाँ, मुगली में बैठ देखो नहीं, हम तो कुंडा लगा के अंदर रहा। अच्छा जी, तो मतलब साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। तो पंचायत क्या कर रही है आपकी? कुछ कौन कर रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं कर रहे? अगर यह नागरिक जिम्मेदार हैं तो पंचायतों का क्या काम है,
आखिर जो खर्चे चल रहे हैं, जो सरकारी खजाने की लूट चल रही है, वो इन्हीं साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए है, वरना क्या जरूरत है पंचायतों की? क्या समस्या है? ये नालियों के बारे में बता रहे थे आप, ये कदे साफ ही को नहीं हुआ है। आप आम कद खुद कर दे मैंने, सफाई कर्मचारी तो आवे ही को नहीं। तो आपको क्या समस्या आ रही है इनसे? समस्या ये है कि मच्छर पैदा हो, बीमारी हुआ है। आप भैया अभी भाई साहब ये होगा नहीं कौन लगे होगा मैंने कितने महीने हो गए सफाई नहीं होती? ये भी महीने हो गए मारा तो कड़ी नहीं घूमने कई महीने हो गए। तो पंचायत ने इस पर कोई मतलब संज्ञान नहीं लिया अभी तक? पंचायत का भी की बोलेंगे पंचायत से मतलब इसकी साफ सफाई नहीं होती है और पंचायत कुछ कर नहीं रही है। मैन सड़क में आवा, मैन करके चला जावा अगला। अच्छा, मैन कौन सी है फिर? मैन ये चौक हो गया, अगला चौक हो गया, उससे अगला चौक हो गया। अच्छा जी, गांव की आवाज उठाना हमारी यानी लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की संस्कृति है और साथ ही राम प्रकाश इस संस्कृति को बराबर उठा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा जगत में मथुरा का संस्कृति विश्वविद्यालय नए आयाम और नए संस्कार स्थापित कर रहा है। प्लेसमेंट से लेकर अच्छी सुविधा सब कुछ मौजूद है। जरा आप एक बार नजर तो डालिए।